ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आप हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर संचिता लेखी सिंह जी जुड़ गई हैं। संचिता जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। तो चलिए संचिता जी से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, और शुरुआत मेष वृषभ मिथुन आपसे करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं और एक कार्ड उनके लिए निकाल लेते हैं। तो आज का जो कार्ड आ रहा है, उनका स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है कि आज जो है उनका जो दिन जा रहा है थोड़ा सा स्लो मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी काम इनके आज हो रहे हैं वो थोड़ा सा रुक रुक के ही आगे बढ़ रहे हैं, कि रुकावटें जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं। पर बोल रहा है कि आपको घबराने की बात नहीं है, जैसे मुश्किलें अपने आप आई हैं अपने आप सॉल्व भी हो जाएंगी, कि कहीं ना कहीं हम परेशान जो है वो आपको नहीं होना है। कार्ड जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो बोल रहा है आपको स्ट्रेंथ रखनी है, थोड़ी सी पेशेंस आपको रखनी है कि समय के साथ ये काम भी आपके पूरे हो जाएंगे, पर थोड़ा सा पेशेंस जो है वो आपको ज़रूर रखनी है आज के दिन। और साथ ही साथ हेल्थ की बात करें तो क्योंकि जब मानसिक परेशानियां बढ़ जाती हैं तो हेल्थ भी हमारी इफ़ेक्ट होती ही है, तो कोशिश करें कि आज थोड़ा सा आप रिलैक्स करें कि आपकी हेल्थ के ऊपर ये बहुत ज़्यादा परेशानी ना आए। आपके लिए मैं बोलूँगी येलो कलर अच्छा रहेगा। जी, और संचिता जी वृषभ राशि इनके लिए भी जानना चाहेंगे, इनके लिए क्या खास है। जी, तो एक कार्ड इनके लिए भी निकाल लेते हैं। तो इनका जो कार्ड आ रहा है मनी कंफ्यूजन का कार्ड आ रहा है, कि जैसे हम देख सकते हैं एक आदमी है, उन्होंने दो कॉइन्स अपने हाथ में उठा रखे हैं और ये फैसला नहीं कर पा रहे कौन सा कॉइन हमारे लिए सही है। तो वैसे ही पैसों से रिलेटेड कोई भी लेन देन आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत हो सकता है। मतलब सोच विचार करने के लिए सही समय है, पर अभी पैसों के रिलेटेड कोई भी काम आज आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही में हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी बोल रहा है थोड़ा सा बैलेंस आपको बनाना है, हेल्थ अभी ठीक है पर ख़राब नहीं हो, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके लिए मैं बोलूँगी लाल रंग अच्छा रहेगा। जी, और ऐसे ही मिथुन राशि आपके लिए भी जानते हैं, आपके लिए क्या खास है। जी, जो मिथुन राशि है उनके लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं। तो उनका जो कार्ड आ रहा है ये हमारा हैंग्ड मैन का कार्ड आ रहा है, कि आज जो है एडजस्टमेंट का आपके लिए दिन रहेगा। जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वैसी चीज़ें नहीं हो के दूसरों की खुशी के लिए दूसरों के हिसाब से आज आपको चलना पड़ेगा। हो सकता है ये काम आप इतना खुशी ना करें, पर कई बार दूसरों की खुशी के लिए सोचना, दूसरों की खुशी के लिए कोई काम करने से भी आपको मन में प्रसन्नता ज़रूर होगी। साथ में अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में थोड़ा सा मुझे अभी आज डाउन दिख रहा है, कि थोड़ा सा आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कि आप जो है बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। और कई बार जो है जब हम दूसरों की खुशी के लिए करते हैं अपने खुशी के लिए कोई काम नहीं कर पाते तो मन उदास हो ही जाता है, तो कोशिश करें कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढने का, तो आपका मन भी अच्छा रहेगा। आपके लिए मैं बोलूँगी हल्का नीला रंग जो है अच्छा रहेगा। जी, हल्का नीला रंग आपके लिए अच्छा है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए, देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। और कर्क सिंह करने आप आपकी बात करते हैं, कर्क आपके लिए जानते हैं। जी, जो कर्क राशि है उनके लिए कार्ड निकाल लेते हैं। तो कर्क राशि का जो कार्ड आ रहा है वो बोल रहा है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड आ रहा है, कि आपके आसपास जो है सब बहुत अच्छा है, बहुत खुशियां मुझे दिखाई दे रही हैं, पर कहीं ना कहीं जो कमी है उसी पे आपका मन अटक रहा है। जो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है या जो चीज़ की कमियाँ हैं आपकी लाइफ में उसी पर आपका फोकस है। पर बोल रहा है आसपास आप देखेंगे तो बहुत चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं जो इंतज़ार कर रही है आपका, पर आपका जो मन है ढूंढ कुछ और ही रहा है। तो कोशिश करेंगे आसपास देखिए, और भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपकी लाइफ में। साथ में हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए बोल रहा है कि थोड़ा सा जो समय है हेल्थ पे भी फोकस करने का है, क्योंकि आप जो है अपने आप को अपनी लाइफ को ही थोड़ा सा नज़रअंदाज करे हुए हैं आज, कि कहीं ना कहीं जो है हेल्थ है जो उस पर सफ़र हो सकता है, जैसे कि नींद नहीं आना, ये एक बड़ी परेशानी मुझे दिख रही है, तो उस पर आपको काम करना चाहिए। आपके लिए मैं बोलूँगी लाल रंग अच्छा रहेगा। जी, लाल रंग आपके लिए अच्छा है, अपनी हेल्थ पे आपको काम करना चाहिए। सिंह राशि आपको क्या करना है जानते हैं। जी, जो सिंह राशि है उनके लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं। तो सिंह राशि का जो कार्ड आ रहा है वो भी डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड आ रहा है, कि इन्हें ना बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों से, इनके आसपास जो लोग हैं जिनके ये करीब हैं बहुत, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो सकती है और वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, कि कई बार हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं लोगों से और वो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाते तो बुरा लग जाता है। तो कोशिश करें इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें दूसरों से ना ही लगाएं, तो ही
बेहतर रहेगा। साथ ही साथ हेल्थ की बात करें तो आज थोड़ा सा आपका इमोशनल दिन है कि कहीं भी किसी की कोई कहीं भी बात से भी आपको बुरा लग सकता है, तो कोशिश करें कि आज जो है मजाक को मजाक में ही लें और हर बात को दिल पे जो है वो नहीं लेना है आपको। आपके लिए मैं बोलूँगी हरा रंग अच्छा रहेगा। जी, हरा रंग आपके लिए अच्छा है, बातों को दिल पे मत लीजिए, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। और अब आगे बढ़ते हैं और आगे की राशि की बात करते हैं, यानी कि कन्या राशि आपकी। जी, जो कन्या राशि है उनके लिए हम एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो कन्या राशि का जो कार्ड आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है कि जो आपका लक है वो बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है आज, कि अगर आज कोई बड़ा फैसला आप लेते हैं या कहीं घूमने जाने का भी प्लान बना रहे हैं इंडिया से बाहर का भी, तो वर्ल्ड इज़ इन योर पाम, लाइक दुनिया आपकी मुट्ठी में है, जो आप चाह रहे हैं आज का दिन वो आपका लक पूरा कर सकता है। मेहनत आपको करनी है और लक जो है वो आपका साथ ज़रूर देगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई रिज़ल्ट आज आपका आने वाला है तो भी वो बहुत लकी रहेगा आपके लिए। आपके लिए मैं बोलूँगी ऑरेंज कलर बहुत अच्छा रहेगा। जी, ऑरेंज कलर आपके लिए अच्छा है, लकी रहने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, तुला वृश्चिक धनु आपकी बात करेंगे, तो तुला आपके लिए जानते हैं। जी, जो तुला राशि है उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो तुला राशि का जो कार्ड आ रहा है यहाँ पे डेथ कार्ड आ रहा है कि किसी चीज़ का अंत हो रहा है। जो भी परेशानियाँ थी, मुश्किलें आपकी लाइफ में आ रही थी, चाहे वो करियर में हो या आपके पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन सबका अंत जो है वो मुझे बहुत क्लोज दिख रहा है। चाहे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो सारी चीज़ों की परेशानियों का अंत जो है वो आज के दिन हो सकता है। और एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है कि जहाँ अंत होता है वहाँ एक अच्छी शुरुआत आपकी लाइफ में आज के दिन होगी। तो आप पॉजिटिव रहें और जो भी परेशानियाँ हैं आज के दिन आपकी ख़त्म हो रही है। आपके लिए मैं बोलूँगी काला रंग जो है आपको अवॉइड करना चाहिए और सफ़ेद रंग आपके लिए अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ते हैं और अब वृश्चिक राशि आपकी बात करते हैं। जी, तो इनके लिए भी हम यहाँ पे कार्ड निकाल लेते हैं। तो इनका जो कार्ड आ रहा है आज का वो एम्परर आ रहा है। तो जैसे एक एम्परर हम देख सकते हैं आराम से अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है, वैसे ही आज का जो दिन है आप आराम से रेस्ट कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने सोचा है चीज़ें वैसी ही आपको नज़र आएंगी, कि कहीं ना कहीं जो भी आप काम कर रहे हैं, करियर की बात करें या पर्सनल लाइफ की बात करें, तो उसमें बोल रहा है आज का जो दिन है जैसे आपने चीज़ें सोची हैं वैसी ही हो रही हैं। आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी आने वाले समय में ज़रूर मिलेंगे। साथ ही साथ हेल्थ की बात करें तो अगर आप किसी चीज़ का परहेज कर रहे हैं, आप अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं या किसी चीज़ में आपको बहुत फोकस कर रहे हैं अपनी हेल्थ पे, तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आज के दिन दिख सकते हैं कि आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आने लगेगा। आपके लिए मैं बोलूँगी लाल रंग अच्छा रहेगा। जी, और अब आगे बढ़ेंगे और धनु राशि आपके लिए जानते हैं। जी, जो धनु राशि है उनके लिए कार्ड निकाल लेते हैं। तो धनु राशि का जो कार्ड आ रहा है ये हमारा हर्मिट का कार्ड आ रहा है। तो ये 9 नंबर का कार्ड होता है और ये बोल रहा है आज का जो दिन है आपका ध्यान ही कहीं और है। आप कहीं ना कहीं खोए खोए से रहेंगे अपने पूरे दिन और कहीं ना कहीं चीज़ों पर फोकस करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर आप जॉब में हैं, आप करियर में फोकस कर रहे हैं, तो आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका मन नहीं लग रहा है काम में। चाहे हम रिश्तों की बात करें तो घर में भी आपका मन नहीं लग रहा है, आप कहीं मन आपका कहीं और ही है। आज कुछ डीप थिंकिंग में आज आपका मन मुझे दिखाई दे रहा है। तो बोल रहा है थोड़ा सा समय लगेगा पर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जो भी चीज़ों में आपका मन लग रहा है उन्हीं चीज़ों में आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई बार कहीं नई चीज़ों में अपना मन लगाने से भी आपका मन खुश हो जाता है। साथ ही साथ हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पर भी आपका ध्यान नहीं है, तो कोशिश करें अपने काम पर और अपनी हेल्थ पर आज के दिन आप फोकस करें। आपके लिए मैं बोलूंगी कि रेड कलर अच्छा रहेगा। जी, और अब आखिरी 3 राशि हैं मकर, कुंभ, मीन, इनके लिए जानते हैं और मकर के लिए जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जी, जो मकर राशि है उनका जो कार्ड आ रहा है ये ऑफिशियल कार्ड आ रहा है कि आज के दिन अगर आपकी कोई ज़रूरी मीटिंग होती है या कोई अच्छा आइडिया आप या कोई सजेशन अपने बॉस को देते हैं तो वो आपके सजेशन को मानेंगे भी और सबके सामने आपका अप्रिसिएशन भी होगा कि आपकी तारीफ भी करेंगे। तो जो आज का दिन है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है और अगर कुछ आप अच्छी बात अपनी रखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है कि अपने सीनियर्स के आगे, अपने बॉस के आगे अपनी बात रखने का। साथ ही साथ अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी मुझे अच्छा इम्प्रूवमेंट आपके आज दिखाई दे रहा है। आपके लिए मैं बोलूँगी हरा रंग अच्छा रहेगा। जी, और अब कुंभ राशि आपके लिए जानते हैं।
जी, जो कुंभ राशि हैं उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो कुंभ राशि का जैसे हम कार्ड देख सकते हैं, एक आदमी है जो फंसा हुआ है चीज़ों के अंदर, तो बोल रहा है आज के दिन जो है कहीं सुनी बातों में, आसपास की चीज़ों में हमें बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि जितना हम उन चीज़ों में ध्यान लगाएंगे हम खुद ही उस चीज़ में फंस सकते हैं। तो कोशिश करें कि किसी भी तरह की कहीं सुनी बातों में, गॉसिप्स वगैरह में हमें नहीं पड़ना है, या किसी के भी सुझाव पर कोई काम ना करें। अनलेस आपको लगे, आपके मन की आवाज़ से लग रहा हो कि ये काम आपके लिए सही है, तो ही आपको करना चाहिए। पर दूसरों की बातों में आके आपको कोई गलत फैसला आज के दिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप उसमें फंस सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी आज मुझे स्लो दिख रही है, थोड़ा सा डाउन हो सकता है, कि हेल्थ पे भी थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़े। आपके लिए मैं बोलूँगी हल्का नीला रंग अच्छा रहेगा। जी, हल्का नीला रंग आपके लिए अच्छा है। और अब मीन राशि, आखिरी राशि आपके लिए भी जानते हैं। जी, जो मीन राशि है उनके लिए कार्ड निकाल लेते हैं। तो मीन राशि का जो कार्ड आ रहा है उसको भी नज़र का कार्ड आ रहा है, कि आसपास जो मीन राशि है आपके भी बहुत नेगेटिविटी है आज के दिन, और कहीं ना कहीं आपसे जो लोग हैं, आपके करीबी लोग भी हैं, वो थोड़ा सा जलते हैं आपसे, आपकी सक्सेस से उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें ऐसे लोगों से आज के दिन अपनी कोई भी मन की बात आप ना करें, या कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो वो किसी से अभी कहें नहीं, क्योंकि ये जब आप बोल देते हैं तो जेलसी की वजह से रुकावटें हमारी बन जाती हैं। आप कई बार सोचेंगे, हम सोचते हैं, लोगों को बताते हैं, फिर वो काम होता ही नहीं है, क्योंकि जेलसी आ जाती है। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों से आज आप बच के रहें। और आपके लिए मैं बोलूँगी काला रंग जो है वो आपको पहनना चाहिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। जी, और अब ये तो राशियों की बात हुई, और संचिता जी ने हमें बताया कि हर राशि के लिए क्या खास है। बहुत बहुत शुक्रिया संचिता जी। नमस्ते। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।